राम रैन जी की धर्म पत्नी कहती है कि मेरा मन हो रहा है कि हम ब्रज दर्शन करने जाएं। राजा ने कहा मेरा भी मन था लेकिन राज्य के कार्य में मैं व्यस्त था, चलो अब चलते हैं। दोनों राजा रानी कुछ सेवकों के साथ में आए और रानी ने क्या कहा कि तीर्थ यात्रा भले हो ना हो, मैं तो तीर्थों में, क्योंकि संत बहुत रहते हैं, संतों की सेवा का चाव है, वो मेरे पास व्यक्तिगत जो संपत्ति है वो मैं संतों की सेवा में लगाना चाहती हूं। व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब जो भी दहेज में इसको संपत्ति मिली या जो उसके भाई पिता थोड़ा थोड़ा देते हैं अपनी बहन बेटी को, सब देते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया था, राजा की तरफ से उपहार कभी मिलता, सब इकट्ठा करके रखा कि मैं संतों की सेवा करूं। इस बहाने से वृंदावन के दर्शन, जमुना महारानी के दर्शन, स्पर्श स्नान होगा, संतों के दर्शन और उनकी मुख्य रूप से सेवा होगी। और आप भी कुछ कीजिए। तो राजकोष से राजा ने भी खजाने में का कुछ निकाला और रानी ने तो अपना सारा खजाना ही साथ ले लिया, घोड़ों पे पालकियों पे सामान लेकर के, भंडारा भी करना है, अनाज पानी सब कुछ धन संपत्ति लेकर आ गए। मथुरा में रुके, महीनों रुके, इतना लाड चाव संतों की सेवा का, जितना भी लाए थे सबका सब खर्च कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वापसी का किराया भी चाहिए, खर्च चाहिए, साथ में सेना हाथी घोड़े, इनका चारा पानी की व्यवस्था भी करने को, धन संपत्ति साथ वापस के लिए भी होनी चाहिए, नहीं ध्यान सारा जब खत्म हो गया सब कुछ, अब राजा रानी परस्पर कह लगा अब चलें, क्योंकि अब सेवा के लिए कुछ रानी सब हो गई, महीने तक संतों की सेवा, पूरे ब्रजमंडल की सेवा, किसी को कंबल दिए, किसी को रजाई दी, किसी को जूते चप्पल कड़ाऊ, किसी को दंड कमंडल, किसी की कुटिया बना दी, ये सब करते रहे सेवा, लंगर भंडारा भोजन तो हर रोज ही लगा रहता है। जब सारा समाप्त हो गया कुछ रानी कहता अब चले, तो राजा बोले ये तो ध्यान ही नहीं रहा, कुछ बचा के भी रखना था वापसी के लिए, कई दिन की पैदल की यात्रा है, घोड़ों के लिए, सैनिकों के लिए खाना पानी की व्यवस्था, रास्ते कुछ रखा नहीं, सारा दे दिया, अब क्या करें। तो राजा रानी परस्पर बात कर रहे थे तो राजा बार बार पत्नी के चूड़ियों की तरफ लगे देखने, रानी समझ गई, रानी ने देर नहीं की, पति के हृदय की बात जान ली, तुरंत चूड़ियां सोने की निकालकर मणियों से जड़ी पति के हाथ में रखे, बोली इनको बेच दो, वापसी का राह खर्च इसे चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और बोली कि भगवान की कृपा तभी तो बरसती है जब अपना कहने के लिए कुछ ना बचता हो, जब समस्त सब कुछ भगवान के अर्पण हो जाता है तभी उनके लंबे हाथ हम तक पहुंचते हैं। अच्छा है भगवान के लिए बेसहारा होने में ही सहारा है, हम भाग्यशाली हैं जो हमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सब संतों को दे दिया, अब हमारी चिंता वो करेंगे, लेकिन मेरे पास चूड़िया दे दी सहर्ष। राजा साधारण सा वेश बना करके मथुरा के बाजार में, सुनार बाजार में चूड़ी बेचने गए और जा रहे थे, रास्ते में सामने से नाभाजी महाराज आ रहे थे। कौन नाभाजी? जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, नाभाजी महाराज आ रहे थे। तो राजा राम रायन को नाभाजी महाराज दिखाई नहीं दिए, एक सखी आ रही है, क्योंकि पहले बहुत बार सुन चुके थे नाभाजी महाराज ये सखी रूप से, ये सीता जी की सहचरी हैं, नाभा अली ये सखी हैं, तो चूड़ियां थी ये उनका भाव था, उसी रूप में दर्शन कर रहे हैं। और नाभाजी के हाथ में, दोनों हाथों में सोने की एक एक चूड़ी पहना दी और नाभाजी महाराज से प्रार्थना की, ये जो मैंने सेवा आपकी की है ये मेरी पत्नी की थी, तो मेरी इच्छा कि आप मेरी पत्नी को, धर्म पत्नी को भी दर्शन दें। तो भक्त प्रेम में तो भगवान संत भी कहे जाते हैं, कहा चलिए, जा रहे थे कहीं और तो चल दिए, सोने की दोनों चूड़ियां हाथ में, और आए और अपनी पत्नी को कहा देखिए आपकी दोनों चूड़ियां मैं बाजार में बेचने गया वापसी राह खर्च के लिए, लेकिन पूजा श्री नाभाजी महाराज आ गए, आपने कितनी बार चर्चा सुनी नाभाजी की। तो बड़ी प्रसन्न हुई,
जब बताया कि मेरी, जब लगा पता मेरी दोनों चूड़ियां संत को दी, बड़ी प्रसन्न हुई। राजा को कहा, धन्य है मुझको ऐसा पति मिला, आपके इतने ऊंचे भाव, मैं भी धन्य हो गई जो मेरी चूड़ियां संत ने पहन ली। चरणों में प्रणाम किया, उनको भी नाबाजी महाराज ने सखी स्वरूप से दर्शन दिए। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोते न्यारे। कौओं को दाना डालते रहो छत पर, एक दिन कौओं के साथ हंस भी उतर आएगा। कौन संत कैसा मत देखो, बस सेवा करो, एक दिन कोई परमहंस भी सेवा को स्वीकार करने आ जाएगा और तुम्हारा जीवन धन्य कर देगा। और तुम सोचो हंस आएगा तभी करेंगे सेवा, तो हंस नहीं आएगा। सब पक्षियों की सेवा करो, ये हंस है, तो सब संतों की सेवा करो, छोटा बड़ा कैसे भी क्यों ना हो, सब संतों की सेवा करो, एक अनेक दिन परमहंस भी आएगा जो आपके जीवन को धन्य कर देगा। फिर वापिस उधार लेकर के, मैंने पैसा रहा नहीं, सोना चांदी रहा नहीं, फिर उधार लेकर के किसी सेठ से, तब वापिस राह का खर्च जुटाया, वापिस पहुंचे, वहां जाकर के फिर उस सेठ का दुगुना करके धन वापिस किया। ऐसी इनकी धर्म पत्नी, इसलिए इनको ये दिव्य दर्शन प्राप्त।